जय श्री कृष्णा। सो हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत प्रैक्टिकल पॉजिटिव पेरेंटिंग के डे 3 में मैं आरसी राजेश पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के 3 P's की, और पहला P मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, बट उससे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, आजकल के बच्चों में 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको लगता है, या चैलेंज क्या है आपको लगता है? टाइप करें चैट बॉक्स में, कृपया चैट बॉक्स में टाइप करें, क्या 2 चैलेंज या प्रॉब्लम आपको नजर आते हैं आजकल के बच्चों में? हरिओम नमो अटेंशन, ओहो अटेंशन, पेशेंस, ओके लेस पेशेंस, ओके ये बहुत बढ़िया लिखा, और बताइए, मोबाइल, गुस्सा, ओहो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, मोबाइल, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके लेस एक्सपीरियंस, अरे ये तो मैंने ही बोला था, चैलेंज कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन, इमोशंस, नॉलेज, हार्ड टू कन्विंस, शाउटिंग ऑन स्मॉल, एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजी, ओके टेकिंग एक्शन, फोकस की कमी, सीरियसनेस की कमी, ओके चलो बहुत बढ़िया। तो बहुत बार ये हमें ओहो इररिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, वाह वाह, ये सब टॉपिक पे एक ना 15 मिनट का सेशन बन सकता है, हाँ या ना? चलो देखते हैं, हम कोशिश भी करेंगे, है ना? फोकस एंड सीरियसनेस, है ना? तो इसकी भी कमी नजर आती है, स्वीकार करते हैं। और दोस्तों आज मैं बात करना चाहूंगा एक मुद्दे की जो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा कम है, और वो है पेशेंस। कितने लोग एग्री करते हैं आजकल के बच्चों में पेशेंस की कमी है? शो ऑफ हैंड्स, राइट हैंड दिखाओ तो और भी अच्छा, है ना? थैंक यू, जय श्री कृष्णा। तो फोकस की कमी है बच्चों में, है ना? क्या फोकस की कमी है और पेशेंस की कमी है, एक्चुअली ये रिलेटेड है। जब पेशेंस बढ़ता है फोकस बढ़ता है, हाँ या ना? रिलेटेड है ना? डिस्ट्रैक्टेड माइंड आपकी एक्टिविटी में से फोकस को कम कर देता है, और डिस्ट्रैक्टेड माइंड, माइंड डिस्ट्रैक्ट तब हो जाता है जब पेशेंस की कमी होती है। तो जरा आज हम एक सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, क्या हमारे वक्त हमारे समय में हमारे पास पेशेंस ज्यादा था कंपेयर टू आजकल के बच्चे? हमारी पीढ़ी में जब हम उनके एज के थे, क्या पेशेंस हमारे पास ज्यादा था कंपेयर टू आजकल के बच्चे? टाइप करें वाई और एन। अगर हाँ है तो टाइप करें यस, हमारे पास पेशेंस ज्यादा था, नो अगर नहीं था, है ना? ऑलमोस्ट सभी के जवाब आ रहे हैं अब तक, तो सबके जवाब 100% जवाब जो चैट बॉक्स में आए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं हाँ। तो एक और सवाल पूछना चाहूंगा, वो सवाल ये है कि क्या हमारा पेशेंस चॉइस था या कंपल्शन था, है ना? चॉइस के लिए टाइप करें सी और कंपल्शन के लिए टाइप करें के, हाँ ऐसा कुछ करना पड़ेगा, दोनों के लिए सी टाइप करोगे तो कैसा चलेगा? एंड यहाँ पे एक बच्चा मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, तो बच्चों को भगाओ और पेरेंट को स्क्रीन पे लेके आओ, है ना? तो गायब हो रहे ना, तो मैं राजूला सांगेन, हाँ हाँ मेरे ही दोस्त का बेटा आके बैठा है स्क्रीन पे, तो कांचन मैम ने के टाइप किया, ऑब्वियस है उनके नाम में ही कांचन है ना? ज्यादातर लोगों ने टाइप किया के, और कुछ लोगों ने कहा समटाइम सी समटाइम के, कभी खुशी कभी गम, है ना? दोस्तों मुझे याद है आज भी, मैं जब 7वीं की एग्जाम हो गई और मैंने मेरे मामा के बेटे को खत लिखा, यू नो अंतरदेशीय पत्र आता था एक, और एक पोस्ट कार्ड आता था, याद है कितने लोगों को? तो मैंने भेजा और मैंने उसे कहा कि प्रिय शिवाजी, आज मैं बहुत खुश हूं, हमारे एग्जाम खत्म हो गई और छुट्टियां आई है, छुट्टियां लग गई, है ना?
तो मैं बहुत मजे करूंगा, ये प्लान है। सबको नमस्कार, साष्टांग दंडवत वंडवत सब लिख के मैंने लेटर भेज दिया। वहां लिख भी दिया मैंने कि अगर हो सके तो शायद हम आपको मिलके भी आ जाएंगे। लेटर उनके पास गया, उन्होंने जवाब भेजा। मीनवाइल मैं उनके पास गया, 15 दिन रहा, वापस आ गया, और बाद में जब 2 दिन पहले यानी 5 जून को मुझे उसका जवाब मिला, हम सभी सकुशल है और तुम्हारी छुट्टियां है, एंजॉय करो। मैंने सोचा 2 दिन बाद तो स्कूल चालू होने वाली है, अब क्या एंजॉय करें। वक्त वक्त की बात है दोस्तों, कितने लोगों को याद है 15-20 किलोमीटर दूर जाने के लिए कभी कभी तो हम आधे दिन का प्लान कर देते हैं ना, घर से वो व्हीकल मिलने तक, वहां से फिर आगे वाली बात, आगे वाली बात, है ना। काफी मुश्किल हुआ करता था। तो हमारे पास सेम पहले से था, हर चीज में वेटिंग। यू नो कितने लोगों को याद है कि इवन नए कपड़े लेने के लिए ज्यादातर लोग ना फेस्टिवल का इंतजार करते या बर्थडे का इंतजार करते, हाँ या ना, दशहरा, दिवाली या कोई शादी या बर्थडे। बर्थडे को भी ड्रेस मिलना उस वक्त लग्जरी थी, अगर आपको मिलता था तो। हाँ, 5 साल के बाद तो पक्की लग्जरी थी, 5 साल तक थोड़ा चल जाता था, है ना, लाडला लाडली कह के, है ना। तो हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों चॉइस थी, आया ना। अब जरा मैं आज की पीढ़ी की बात करता हूँ दोस्तों। इनको जिसे कहते हैं ना, स्कूल से लेके कि कोई भी इंफॉर्मेशन से लेके, इनके पास इंस्टेंट अवेलेबल है, हाँ या ना। और पिछले 30-40 साल में समय का पहिया कुछ ऐसे तेजी से घुमा है कि इनके आसपास की हर चीज फास्ट है। मुझे आज भी याद है दोस्तों, जब हमें कोई मेल भेजना पड़ता ना, आज से कुछ 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेट 90s में कोई मेल वगैरह भेजना है तो हम इंटरनेट पे जाते, लॉग इन करते, सब ड्राफ्ट करते, सेंड बटन दबाते और फ्रेश होने निकल जाते, वापस आके चेक करते कि क्या वो डेटा गया है या नहीं गया। कितने लोगों को याद है, आया ना, एक जमाना वो था। अभी तो यहाँ पता चला कि 3 सेकंड यानी लाइव चैट हो सकती थी, है, लाइव वीडियो देखा जा सकता है ना। तो प्लीज नोट करना दोस्तों, आजकल के बच्चे अगर पेशेंस रखेंगे तो बैकवर्ड बन जाएंगे। ओहो, ये क्या बात कह दी मैंने, आया ना। उनको अगर आप बोलोगे बेटा जल्दी से टाइप मत करो तो वो ऐसे देखेंगे, है ना, डोंट नो को डन नो करते हैं कुछ, है ना, डोंट नो टाइप नहीं करते आज, है ना, शॉर्ट वर्ड्स में कुछ ना कुछ टाइप करते रहते हैं आजकल के बच्चे। अब उनको समय के साथ चलना है, 5G में रहना है, शायद उनके जनरेशन में आगे बढ़ने बढ़ने तक 7-8 GB भी आ जाए, है ना। लाइटनिंग स्पीड से चीजें चल रही है दोस्तों, तो पेशेंस उनके पास चॉइस नहीं है, स्पेशली एक्टिविटी में उनके पास कंपल्शन है हाई स्पीड मेंटेन करने का, हाँ या ना। इनफैक्ट हम हमारे कई प्रोग्राम में सिखाते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी, व्हाट्स द वर्ड, स्पीड एंड एक्यूरेसी। हमारा जो प्रोग्राम है एकेडमिक स्किल डेवलपमेंट AST, उसमें हम स्पीड से कैसे बच्चे सीख सकते हैं, एक्यूरेसी से कैसे याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, सिखाते हैं। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपका बच्चा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, क्योंकि नॉलेज सबके पास है, ज्ञानी सभी है, सभी 90 अबव है, फिर उनमें से 1000-2000 कैसे चॉइस करेंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और ये आइडिया हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को किसने दी, बिग बी ने, अमिताभ बच्चन ने, हाय फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, वाह वाह वाह, ताली बजाते हैं ना, आता सबको है, जो सबसे फास्ट सॉल्व करेगा वो उसका नंबर, आया ना। तो बच्चों में स्पीड चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। अब ये बात कहाँ आई, ये बात आ गई एग्जीक्यूशन की, व्हाट इज द वर्ड, एग्जीक्यूशन की। पर जहां लाइफ की बात आती है दोस्तों, पेशेंस पेस, आया ना, शो ऑफ हैंड्स। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों के पास पेशेंस क्यों नहीं है और माता पिता को उन्हें पेशेंस सिखाने के लिए खुद पेशेंस क्यों रखना चाहिए। फिर से कहता हूं, अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों के पास पेशेंस क्यों नहीं है और माता पिता को उनको पेशेंस सिखाने के लिए खुद पेशेंस क्यों रखना चाहिए। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं मेरी बात को आप तक पहुंचा पाया। तो ये तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस मैंने बताई दोस्तों, है ना, जिसकी वजह से बच्चों के पास पेशेंस नहीं है, फटाफट फटाफट हर चीज लाइव हो रही है। थोड़ा भगवद गीता का रेफरेंस लेते हैं और वहां से भी समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पे नियंत्रण कर सकता है
तब वह प्रगति के लिए सिद्ध माना जाएगा, इलिजिबल है ना, सिद्ध माने इस केस में इलिजिबल कहेंगे है ना, कैपेबल कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों के वेग को नियंत्रित करने में सफल होता है तो उसे सिद्ध माना जाएगा। अब आप भी जानते हो दोस्तों, मैं भी जानता हूं, इस ग्रुप में दो चार लोग छोड़ के, दो चार महात्मा छोड़ के बाकी सब इंद्रियों से लड़ रहे हैं, हाँ या ना। किसी को कुछ खाने की तलब है, किसी को बात करने की तलब है, किसी को प्रशंसा सुननी है या कुछ और सुनना है, किसी को कुछ देखना है, किसी को स्पर्श का अनुभव चाहिए, हाँ या ना। अब प्लीज नोट करना दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ और सबकॉन्शियस माइंड पे जो साइकोलॉजी और बाकी जो साइंसेस है, जैसे मान लो NLP है, हिप्नोसिस है और बिहेवियरल साइंसेस है, उन्होंने जो डेवलपमेंट की है उसका परिणाम ये हुआ कि इंसान का ऑपरेटिंग मॉड्यूल जो होता है ना, ऑपरेटिंग मॉडल, वो लोगों को मिल गया। क्या मिल गया? ऑपरेटिंग मॉडल। से मान लो आप कोई नई चीज खरीदते हो, ओवन खरीद लिया है ना, या वॉशिंग मशीन खरीद ली, फ्रिज खरीद लिया, गैस खरीद लिया, कार खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया, उसके साथ एक छोटा सा ऑपरेटिंग मैनुअल आता है ना। अब कैसा हो किसी के पास बच्चों का ऑपरेटिंग मैनुअल दिया जाए, और वो अगर किसी अधर्मी के पास चला जाए तो क्या होगा? ये तो वही बात हुई ना, ब्रह्मास्त्र चला किसी विलन के हाथ में तो क्या होगा? मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है और ये ऑनलाइन जाएगा वीडियो, पर आप देख रहे हो आजू बाजू में लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनको मजबूर किया जा रहा है और तंग कर करके उनसे पैसा लिया जा रहा है, हाँ या ना। शो ऑफ हैंड्स, कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप करें आई एग्री। तो जब तक आपके जवाब आते हैं, मैं जरा आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। 22 साल के आगे अगर कोई है तो उसके पास सोचने के लिए ज्यादा कंट्रोल है, व्हाट्स द वर्ड, सोचने के लिए ज्यादा कंट्रोल है। पर अगर कोई 22 साल से नीचे है तो उनके पास सेल्फ कंट्रोल कम है। दूसरी बात, 22 साल के बड़े भी जो लोग हैं ना, उनके पास इंफॉर्मेशन का अभाव है। क्या इंफॉर्मेशन का अभाव है कि किस तरीके से हमें, हमारे डिसीजंस को, हमारे मन को मोहित किया जा रहा है। ओहो, तो जरा मैं आपको ना एक बेसिक लेवल पे बताऊंगा और फिर आप रियलाइज करोगे कि आपके बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है। अभी आपको पता है मजबूरी में भी इंद्रिय संयमन अच्छे से होता है, हाँ या ना। अगर मजबूरी हो इंसान की तो मान लो खाने को कुछ बना ही नहीं तो जो है खा लेंगे ना, हाँ या ना, बराबर है। अब अगर आपके पास वो जमाना हमारे बचपन का जब हमें ना वो है ना, वो कहते नमस्कार है ना, ऐसे करके वो लोग आते थे है ना, और फिर बोलते हैं मैं अविनाश कौर सरीन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ आज की ताजा खबरें, प्रधानमंत्री इटली के दौरे पे गए, है ना, ऐसा कुछ सिखाती थी और वही पूरा देश देखता था, है ना। आजकल तो क्या कहते हो, चिल्ला चिल्ला के न्यूज सुनाई जाती है, ये फुल म्यूजिक बैकग्राउंड में, म्यूजिक कलर्स, बोल्ड कलर्स, आया ना। प्लीज नोट करना दोस्तों, हमारी जो विशेष अंग है जिसे कहते हैं ना, हम क्या कहेंगे उसे, इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, जिससे हम इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं, उसको बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। इंसान की डेवलपमेंट के लिए जो इंफॉर्मेशन इंसान को मिली वो आजकल मार्केटिंग के लिए यूज की जा रही है। क्या मैं कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ? शो ऑफ हैंड्स। तो पंचेंद्रिय की बात करते हैं, है ना, पंचेंद्रिय की बात करते हैं, सबसे पहले बात की कान की, है ना। तो मुझे तो लगता है आप में से कम 20% लोगों के बच्चे BTS को कभी ना कभी फॉलो कर चुके होंगे, अगर किया है तो टाइप करे बी, बी फॉर BTS, लेट मी सी, हरि ओम नमो। तो यहां पे कुछ बी आने लगे है, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट, है ना। अब ये क्या है, उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज की जो हमारे शास्त्रों में मन को संयमित करने के लिए यूज की जाती थी, जैसे एग्जांपल ओम चैंटिंग, क्या है, म्यूजिकल बिट है, हाँ या ना, मन को संयमित करने के लिए यूज की जाती थी। कृष्णा फ्लूट है ना, हम चलाते हैं कभी कभी, या कोई मंत्र,
मन को संयमित करने के लिए, इन्होंने म्यूजिक को बच्चों को हिप्नोटाइज करने के लिए यूज कर दिया। म्यूजिक के माध्यम से बच्चों को सम्मोहित कर देते हैं, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। और मैंने अभी अभी हमारे टीटीसी के और मिड लाइफ कोचिंग के दो, नहीं सिर्फ टीटीसी में मैंने ये डेमो दिया, मिड लाइफ में नहीं दिया, पर टीटीसी की कोचिंग में मैंने बच्चों को लाइव डेमो दिया 15 मिनट का, कि किस तरीके से म्यूजिक आपके मूड को तुरंत बदल देती है। आप में से कई लोगों ने अनुभव किया होगा, है ना, है ना। तो आजकल हर ऐड, ध्यान से सुनना, हर ऐड के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है। हर वो वीडियो आप ज्यादा देखते हो, एक हिप्नोटिक म्यूजिक आपको उसके साथ अटैच करके रखा है, हाँ या ना। कई सारे टिकटॉक वीडियो में आपको एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, किसी बंदे के हंसने का, है ना। आपको लगता है कुछ हंसने वाली बात होगी और उस हंसी के साथ आप ज्वाइन करते हो, जबकि उतना मजा नहीं होता उस जोक में। प्लीज नोट करें, म्यूजिक को बहुत पावरफुली यूज किया जा रहा है बच्चों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ। अच्छा, साउंड हो गया, अब विजुअल्स, लाल कलर, नीला कलर ज्यादा दिख रहा है आपको, हाँ या ना। वैसे तो सभी कलर ज्यादा दिख रहे हैं, लाल और नीला क्यों कहूं मैं, उस कलर ने क्या किसी का जिसके नुकसान किया। सभी कलर आप देख रहे हो, फ्लैशी कलर, हाँ ये वर्ड ज्यादा यूज होगा क्योंकि शायद एड्स में येलो कलर भी ज्यादा यूज होता है ना, तो फ्लैशी कलर, बड़े बड़े सेलिब्रेशन, बड़े बड़े स्टेज दिख रहे हैं, हाँ या ना। किंग साइज लाइफ का दिखावा कर रहे हैं बच्चों को, है ना। छोटे छोटे बच्चे 12 साल के, 10 साल के कह रहे हैं कि हमें कॉन्सर्ट में जाना है, उनको कॉन्सर्ट की व्याख्या भी नहीं पता। कितने लोगों के बच्चों ने कभी तो बोला है कि कॉन्सर्ट में जाना है, टाइप करे सी फॉर कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट, है ना, टाइप करे प्लीज, शर्माना नहीं, है ना, हम सब सीख रहे हैं साथ में। अगर आपके छोटे बच्चे ने कभी बात की हो कॉन्सर्ट की तो प्लीज टाइप करे सी, लेट मी सी। मुझे कुछ जवाब पर्सनल पे आ रहे हैं, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा हो सके तो टू ऑल में डाले, थैंक यू। अब देखो, व्यथित भी है माता पिता, आया ना। तो विजुअल्स, दो बात हो गई, कान हो गए, ये हो गए, है ना। अब जरा जाते हैं, इसका तो कम यूज होता है क्योंकि डिजिटल में ये जाता नहीं ना, अब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं आई कि जूम में मेरे रसोई का ऐसा आए आपके पास, है ना, तो उसको मर्यादित यूज किया जा रहा है। टेस्ट बर्ड, हाँ, आप देखिए, छोटे से छोटे चॉकलेट से लेके बड़े से बड़े किसी डिश तक टेस्ट बर्ड को एक्टिवेट किया जाता है। जब भी बच्चों के डाइट रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, मैं उन्हें हमेशा पूछता हूँ, बेटा क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार कम करती है या नहीं करती। ऑब्वियस जवाब आता है, बच्चा कहता है सर ये क्या जवाब सवाल है, माँ तो मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर मैं उन्हें पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे मम्मा कितने साल से किचन में है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, जो भी हो। देखो किचन में तो मम्मा सभी मम्मा है ना, तो क्या मम्मा वो सीख नहीं सकती जो होटल वाला कर रहा है। वो ऐसा क्या मिलाते हैं खाने में कि उनका स्वाद मम्मा के स्वाद को और प्यार को बीट कर जाता है, सोचने वाली बात है, हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। अब बात करते हैं स्पर्श की या एहसास की। अब क्षमा याचना के साथ कहना चाहूंगा क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें इस मंच पे है और मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरी अगली बात को सही सेंस में ले कृपया। अब स्पर्श या फीलिंग की जब बात करते हैं ना दोस्तों, तो क्या आप बिलीव करते हो छोटे से छोटे एड से लेके बड़े से बड़े मूवी तक हर जगह इमोशंस को बहुत इन्फ्लेट करके बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, हाँ या ना। दुख है तो बहुत ज्यादा दिखा दिया, सेंसिटिव इश्यू है तो बस बैकग्राउंड में ऐसा भारी म्यूजिक कि ऐसे लगे कि मैं भी रो पड़ू वो भी रो पड़े। रोमांटिक सीन की तो भरमार पड़ी है, हाँ या ना। बड़े बड़े स्पोर्ट्स के मैचेस भी जानबूझकर आखिरी ओवर तक जा रहे हैं ताकि थ्रिल लगे, हाँ या ना। तो पॉइंट क्या है दोस्तों, स्पर्श से लेके, सूंघने से लेके, जीभा से लेके, कानों से लेके, आंखों तक हर जगह पे पावरफुल बॉम्ब गिराए जा रहे हैं आपके बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए। अब मेरा आप सबको एक सवाल है दोस्तों, इस सम्मोहन से भरी दुनिया में
क्या कहा मैंने, इस सम्मोहन से भरी दुनिया में और वहां पे ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, डेटा साइंस वाले जो तुरंत जानते हैं आपने कहाँ क्लिक किया, वो पीछे लग जाते हैं। हाँ या ना, कभी आपने ऑब्जर्व किया, कोई सर्च करो आप, है ना, कि क्या कहते हैं, मान लो कुछ कुछ भी हो सकता है, मान लो ये स्पोर्ट्स वॉच है ना, मैंने सर्च करो अगले 10 दिन तक तो वो मेरे पीछे लग जाएंगे, जहां भी मैं जाऊंगी ना, वो गाना था, जहां भी मैं जाती हूँ वही चले आते हो, चोरी चोरी मेरे प्राइवेट लाइफ में दखल देते हो और मुझसे खरीदवाते हो। ये तो बताओ कि तुम आखिर कौन हो। तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। अब हम तो बच जाते हैं, बच्चे कैसे बचे। और एक आखिरी पॉइंट आज के लिए बोलना चाहूंगा, क्षमा याचना, पर 5 मिनट और लूंगा, चलेगा? शो ऑफ हैंड्स या फिर परमिशन है, टाइप करें पीएच। ये साइंस है दोस्तों। हमारे टीम में आपको पता है कई सारे डॉक्टर्स हैं, दोनों प्रकार के डॉक्टर्स हैं हमारे टीम में, 5-6 पीएचडी वाले भी हैं और 5-6 मेडिकल वाले भी हैं, स्टेथोस्कोप वाले। तो दोनों प्रकार के डॉक्टर हैं और ये काफी बार वेरीफाई हो चुका। इंसान का ये जो पार्ट होता है ना ब्रेन का, है ना, प्रीफ्रंटल लोब कहते हैं उसे, पीएफसी, वो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो जैसे जैसे डेवलप होता है पीएचसी, प्री फ्रंटल लोब पीएफसी, वैसे वैसे इंसान का सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। गुड न्यूज ये है कि जानवरों में ये ज्यादा बड़ा विकसित नहीं होता, बट इंसान में है। बैड न्यूज ये है कि इसके डेवलपमेंट होते होते 22 साल लग जाते हैं। तो 22 साल तक बच्चे को डिसीजन मेकिंग में मदद कौन करेगा? और यही कारण है कि बच्चे समझते हैं, प्लीज नोट करना इस बात को, चाहे तो लिख लेना, प्लीज, यही कारण है, बच्चे समझते तो है पर समझते नहीं है। यही कारण है कि बच्चे समझते तो है पर समझते नहीं है। क्या कारण है? तो पहला कारण, उनकी इंद्रियों को हमेशा, जिसे कहते हैं ना, इन्फ्लेट किया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है। इसे देखो, उकसाना हमें कहते हैं ना, मुझे गुस्सा मत दिलावा, हमने सुना है। तो बच्चों के अलग अलग इंद्रियों को उकसाया जा रहा है कंटिन्यूसली, पार्ट वन। दूसरा, 22 साल तक पीएफसी डेवलप नहीं होता, प्लीज लिख लीजिए इस बात। तीसरा बात, समय की गति बढ़ गई, ये तीनों बातें लिख लीजिए, ताकि जब भी आपका बच्चा समझे पर फिर से वही करे और आप बोले इसको अब मैं कितनी बार और कैसे समझाऊं, है ना। तो आपको याद क्या रखना है, बच्चा समझता तो है पर समझता नहीं है, है ना। मुझे हिंदी मूवीज बहुत पसंद है ना, वो काजोल ने गाने में कहा था, मेरी नाम में ही है हाँ, है ना। तो जब आप बच्चों को हाँ पूछोगे, बेटा समझ में आया क्या, तो वो हाँ बोलेगा और वो बोलेगा, मेरी हाँ में ही है ना, समझा पर नहीं समझा। और इसलिए मैं सभी से विनती करना चाहता हूं कि आज कृपया आइए और मेरे साथ जुड़िए इस बात पे विचार करने के लिए कि क्या पेरेंटिंग में मुझे सचमुच पेशेंस बढ़ाने की जरूरत है। अप्रिशिएट करते हैं दोस्तों बच्चों की सिचुएशन को, प्लीज नोट करना, अप्रिशिएट करते हैं बच्चों की सिचुएशन को और खुद को चैलेंज करते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो 22 साल से कम उम्र का है? है ना, तो एक दो हमारे स्टूडेंट है, उनका एक्सेप्शन छोड़ के बाकी सब बड़े हैं, मुझे पता है ना, बाकी सब बड़े हैं। यहाँ पे कुछ हमारे चेले कहेंगे ना, शिष्यगण है जो सीख रहे हैं, तो वो उनकी उम्र कम है। ओके, बाकी सब बड़े हैं, तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे बच्चे को मदद की जरूरत है। ऐसा कहा है दोस्तों चाणक्य ने कि प्रजा का पागल होना, अज्ञानी होना राजा के हित में होता है।
प्रजा का पागल होना, अज्ञानी होना राजा के हित में होता है, और इसी कारण हमारे इस विविधता से भरे देश में होता यह है कि इलेक्शन एक छोर में और पंगा दूसरे छोर में। नियमों का पालन भी हुआ और उल्लंघन भी हुआ, हाँ या ना? तो चाहे पॉलिटिशियंस हो दोस्तों या बिजनेस ओनर्स हो, चाहे पॉलिटिशियन हो या बिजनेस ओनर हो, आपको ये अलग अलग टेक्निक का यूज करते हुए वो देखेंगे। मैं बड़े अभिमान के साथ, गर्व वाला नहीं, नम्रता के साथ और प्राउड फीलिंग के साथ आपको बताना चाहूंगा, हम उन रेयर कंपनीज में से है जो स्पिरिचुअलिटी और अबंडेंस बेस पे जो है वो जैसा है वैसा प्रस्तुत करने का दम रखते हैं। हमें इस बात का पूरा एहसास है दोस्तों। मैं स्वयं एक बिजनेस कोच भी एक जमाने में करता था, बिजनेस कोचिंग, अभी मैंने कम कर दिया। ओके, ज्यादा नहीं करता, एक जमाने में करता था। हमें सब ये बातें नहीं पता क्या, अगर मैं आपको बता रहा हूँ? बट हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ आ भी जाओ और हमारे किसी भी प्रोग्राम में जुड़ भी जाओ, तो अपने विवेक का उपयोग करके, ना कि भावनाओं के कारण। क्योंकि ध्यान से सुनना दोस्तों, आजकल बच्चे हो या बड़े हो, उनके डिसीजन में इमोशंस का बड़ा हाथ है। चाहे गाड़ी लेनी हो, चाहे घर लेना हो, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। चाहे रिनोवेशन करना हो घर का, हाँ या ना? चाहे क्या कहेंगे उसे, ट्रिप लेके जाने हो कहीं, है ना, वेकेशन करवाने हो, चाहे सेल्फी निकालनी हो, हाँ या ना? इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं लोग, और इसी का फायदा उठाया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए हम समय भी देते हैं और लोगों को निमंत्रित करते हैं कि हमारे कैटलॉग को देखा करें, हमारे पोर्टफोलियो को देखा करें, शांति से पढ़े कि क्या ये मेरे लिए या मेरे बच्चे के लिए उपयोगी है, और तभी ले। कोई जल्दी नहीं है, आप आपकी तरह से डिसीजन ले सकते हो, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग वो चीजें ले रहे हैं जिसका आगे होगा कुछ नहीं, आया ना? और हम पाप के धनी नहीं बनना चाहते, क्योंकि हमारा एक उसूल है दोस्तों, गुरुजी ने कहा है मेरे सबका हिसाब होगा यही पर होगा और बराबर होगा, और हम चाहते हैं हमारा हिसाब बराबर हो। तो मेरी आप सबसे विनती भी है कि हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको सच में लग रहा है, शांति से बैठिए, विचार कीजिए कि क्या यहाँ पे आपको सच में एक सिंसियर गाइडेंस या हेल्प मिल रही है, आपको या आपके बच्चे को। जो ऑलरेडी अनुभव कर चुके वो हमें फीडबैक दे सकते हैं, टाइप कर सकते हैं वाओ, और जो नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा शांति बनाए रखे, विचार करे, अनुभव ले, विचार करे, अनुभव ले और फिर आगे देखे, है ना? क्योंकि इतिहास साक्षी है दोस्तों, जब जब अच्छी चीजों को राजाश्रय मिला, देश की उन्नति हुई। अब वो बात नहीं रही, है ना? अब तो राजा को ही नहीं पता अगली बार मैं राजा रहूंगा या नहीं, तो वो कैसे अच्छी चीजों को आश्रय देंगे, हाँ या ना? और जैसे कहते हैं ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक आम इंसान को आना पड़ेगा। और इसीलिए घड़ी का इशारा देखते हुए आज रुकने से पहले मैं आपको दो विनती करना चाहूंगा। कितनी विनती? दो विनती। पहली विनती, अच्छी चीजों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, तो मैं आपको पहले इनवाइट करना चाहूंगा, आइए एक्सपीरियंस कीजिए हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स को, अलग अलग जिसको, है ना? यस, तो अनुभव कीजिए, और अगर आपको लग रहा है इसका फायदा होगा तो प्लीज इसका प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करें। लोगों को हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जोड़े, हमारे प्रोग्राम में इन्वाइट, अनुभव लेने उन्हें भी, आया? और दूसरी बात, ये पर्सनलाइज रिक्वेस्ट आपके लिए कि आप स्वयं कृपा करके आते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए और कहते रहिए जय श्री कृष्ण। आज्ञा दीजिए पूर्णता करने की। धन्यवाद।